हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है जकी और आप देख रहे हैं जकी फारूक। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रियलमी सी एलेवन एंड रियलमी सी ट्वेल्व का कंपैरिजन। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बहुत से दोस्तों ये कह रहे थे कि इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन नहीं बनता। दोस्तों, आप वीडियो को देखेंगे तो आपको ये ज़रूर आइडिया होगा कि इन दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन ज़रूर बनता है। तो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट की थी तो दोस्तों ने कहा ये इनका कमेंट्स नहीं बनता, आप इस पर वीडियो मत बनाएं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर आपको ये आइडिया होगा कि इन दोनों ही स्मार्टफोन का कंपैरिजन बनता है और 100% इनका कंपैरिजन करना भी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो जो आपको स्पेसिफिकेशन नहीं बताऊंगा वो दोनों ही स्मार्टफोन की सेम स्पेसिफिकेशन होगी, और जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो दोनों स्मार्टफोन के अंदर डिफरेंस होगा जो कि मुझे बतानी भी चाहिए। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ से बैक से शुरू कर लेते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन की बॉडी है दोस्तों, यहाँ पर एक आप फील महसूस करते हैं, स्क्रैच सा महसूस हो रहा है दोनों स्मार्टफोन पर। और यहाँ पर दोस्तों रियलमी की ब्रांडिंग की हुई है, ये लाइन से हमारे पास शो हो रही है जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रही है। और इसके जो कलर्स हैं रियलमी सी ट्वेल्व के, इसके तीन डिफरेंट टाइप्स में हमारे पास कलर है। यहाँ पर दोस्तों डिफरेंट कलर है, और यहाँ पर डिफरेंट कलर है, और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कलर मौजूद है। तो कैमरा का कंपेरिजन कर लेते हैं। 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है हमारे पास, 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, और ये 2 मेगापिक्सल का डब सेंसर मौजूद है, ये LED लाइट्स मौजूद है। तो यहाँ पर फिंगर सेंसर दिया गया है रियलमी सी ट्वेल्व में। और रियलमी सी इलेवन का कंपेरिजन करें, 13 मेगापिक्सल का है प्लस 2 मेगापिक्सल का टच सेंसर है, और LED लाइट्स मौजूद है और फिंगर सेंसर मौजूद नहीं है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले पर आते हैं। तो दोनों ही स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। IPS डिस्प्ले है दोनों ही स्मार्टफोन का, और डिस्प्ले में दोस्तों बिल्कुल भी फर्क नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन पर गोरिल्ला ग्लास भी मौजूद है, सेम स्पेसिफिकेशन है गोरिल्ला ग्लास की, और रेजोल्यूशन भी सेम है, और डिस्प्ले का साइज भी सेम है, और दोस्तों प्रोसेसर भी सेम है। आप यहाँ पर देखें, अभी आपके लिए क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो डिफरेंस हमारे पास कंपैरिजन नहीं बनता था। दोनों स्मार्टफोन का प्रोसेसर भी हमारे पास सेम है, 2.3 GHz का हमारे पास प्रोसेसर मौजूद है, और चिपसेट भी सेम है। MediaTek Helio G35 की चिपसेट हमें दी गई है रियलमी सी इलेवन एंड रियलमी सी ट्वेल्व में। एंड्रॉयड वर्जन दोनों स्मार्टफोन का 9 है। बैटरी में डिफरेंस जरूर है, बैटरी है रियलमी सी ट्वेल्व की 6000 mAh की बिग बैटरी है, और 10 वाट की फास्ट चार्जिंग हमें दी गई है। और हमारे पास यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी है रियलमी सी इलेवन की, और 10 वाट की फास्ट चार्जिंग सी है। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन के जो फ्रंट कैमराज हैं उनकी स्पेसिफिकेशन भी सेम है, यानी कि दोनों स्मार्टफोन के कैमराज हैं, फ्रंट कैमरा 5.5 मेगापिक्सल का है। और अब जो डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास रियलमी सी इलेवन में फिंगर सेंसर मौजूद नहीं है, जबकि रियलमी सी ट्वेल्व में फिंगर सेंसर मौजूद है। और रियलमी सी ट्वेल्व की बैटरी है 6000 mAh की है, बिग बैटरी है। और हमारे पास यहाँ पर तो डिफरेंस दोस्तों हमारे पास है वो शेप्स का थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पर हमारे पास 3 कैमरेज हैं, और यहाँ पर हमारे पास 2 कैमरेज दिए गए हैं, अदरवाइज़ और कोई भी डिफरेंस मौजूद नहीं है। बाकी सब स्पेसिफिकेशन सेम है, बैटरी का फ़र्क है, फिंगर सेंसर मौजूद है। अब आप लिए आइडिया लगा सकते हैं कि आप इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन परचेज़ करना चाहिए। अगर आप फिंगर सेंसर यूज़ नहीं करते तो रियलमी सी एलेवन परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों 5000 mAh की बैटरी और 10 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ दोस्तों स्मार्टफोन परचेज़ यूज़ करना चाहते हैं तो रियलमी सी एलेवन परचेज़ कीजिए। अदरवाइज़ फिंगर सेंसर और ज़्यादा बड़ी बैटरी यूज़ करना चाहते हैं तो रियलमी सी ट्वेल्व को परचेज़ करते हैं। तो आप दोस्तों आपको आइडिया ज़रूर हो गया होगा कि यहाँ पर कंपेरिज़न बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर कंपैरिजन बनता था और जो कि मैंने कर भी दिया है। तो दोनों ही स्मार्टफोन का ड्राइवर वर्जन भी 10 है, फर्क हमारे पास फिंगर सेंसर का था और बैटरी का था। और रियलमी सी इलेवन की प्राइस है पाकिस्तान में 17,000 रुपये, और जबकि इंडिया में प्राइस का मुझे आइडिया नहीं है दोस्तों। और यहाँ के रियलमी सी ट्वेल्व की प्राइस है हमारे पास 22,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़, और इंडिया में जो प्राइस है इसका भी मुझे आइडिया नहीं है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो रियलमी सी इलेवन और रियलमी सी ट्वेल्व की कंपैरिजन की। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लग कर दीजिएगा लाइक, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इन फ्यूचर में जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।